हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, आजकल मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बना रही थी और आप सब ने बहुत मैसेज करे, रोज़ी को भी कमेंट भी, बहुत अच्छे भी करे, बहुत गलत भी करे रोज़ी को, कि तुम ही बनाओगी, तुम्हारी भाभी नहीं बनाई। ऐसा नहीं है, मैं खुद ही व्लॉग अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रही क्योंकि मेरे गले में बहुत बहुत दिक्कत बढ़ रही है। डॉक्टर ने व्लॉग बनाने के लिए भी बिल्कुल मना करा है क्योंकि जितना मैं बोलूँगी उतनी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आज का व्लॉग बना रही था कि आपको बता पाऊँ कि मेरे गले में क्या प्रॉब्लम है। मेरे गले में जो बोलने वाली दो नली होती है हमारे गले में, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप, जो मतलब बोलने वाली नली है, विंड पाइप, जो उसमें मेरे बहुत दो दाने हो गए हैं, टॉन्सिल नहीं, दाने। तो वो मेरे को बहुत दिक्कत कर रहे हैं, वो बैठ नहीं पा रहे। कितनी दवाइयाँ खा लूँ, मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा है बट वो ठीक नहीं हो रहे। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप बिल्कुल भी बोलो बोलो मत, कम से कम 20-25 से आपको बोलना नहीं पड़ेगा, तभी वो बैठेंगे, तभी वो इन्फेक्शन ठीक होगा। इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, बट आज मैंने सोचा करवा चौथ भी है कल, तो आज मैं व्लॉग एक बार बना ही लेती हूँ, आप लोगों को भी दिक्कत क्लियर हो जाएगी। और आज मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मैं अपनी गोल्ड की ज्वेलरी लेने जा रही हूँ, मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, वो सब आपको मैं व्लॉग में दिखा भी दूंगी क्योंकि ये दो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज का करवा चौथ से एक दिन पहले का, जब मैं तैयार होने के लिए कपड़े सामान ये सब लेने जाऊंगी, और बाकी कल करवा चौथ का सबसे बड़ा दिन जो कि मेरे पति के लिए है। हस्बैंड मेरी ड्यूटी पे वो आ नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही है अगले महीने रोज़ी की शादी है नवंबर में, तो तब छुट्टी लेंगे, तभी आएंगे मेरे देवर भी और मेरे हस्बैंड भी। देवर बीच में मेरे आ गए थे, उनको भी नवंबर में आना था, बट पापा की, मेरे ससुर जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको इमरजेंसी में आना पड़ा। तो अभी करते हैं खाना बनाने की शुरुआत। मैं दिल्ली गई थी, कल ही मैं दिल्ली से आई हूँ और अब मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की स्टार्टिंग। और मेरी दादी भी मेरे साथ आई है, मम्मी लोगों ने बोला था कि दादी को भी लाना करके, तो अम्मा भी आई है। और अब मैं करती हूँ खाना बनाने की स्टार्टिंग। पापा के लिए अलग खाना बन रहा है क्योंकि आपको पता है पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। पापा को क्या प्रॉब्लम निकली थी, पापा को बहुत पेन हो गया था पेट में, बहुत बहुत ज़्यादा। हम हॉस्पिटल ले गए तो हमारे डॉक्टर ने सारे चेक करे, सब चेकअप करे, सब नॉर्मल बताया, दवाई दे दी। पापा जैसे हॉस्पिटल से निकले तो पापा को बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया, बहुत, इतना भी सहन ही नहीं हुआ। तो कमल ने वीडियो कॉल करी, कमल ने देखा, पापा से बात करी तो पापा रोने लग गए। मतलब पहले जब पापा ठीक थे तो कमल ने बोला कि पापा से बात कराओ, तो पापा से बात कराई तो पापा को रोना आ गया, तो कमल को टेंशन हो गई, सीधा उन्होंने छुट्टी ले ली, वो घर आ गए। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, कृष्णा हॉस्पिटल में, वहाँ कम से कम पापा को, पहले हम डीसी पंत डॉक्टर के पास ले गए तिकोनिया में, वहाँ उन्होंने सारे चेक करे, सब नॉर्मल था। फिर वही कृष्णा हॉस्पिटल में बैठते हैं तो उन्होंने वहाँ बुला लिया जब पापा को पेन ज़्यादा हुआ, तो पापा को 10-12 कम से कम इंजेक्शन लगाए पेन किलर के, बट पापा को दर्द 1% भी कम नहीं हुआ और उन्होंने इतने अच्छे से देखा भी नहीं। मतलब हम इतना बोल रहे थे सर दर्द कम नहीं हो रहा, तो कह रहा मैं क्या करूँ, मैंने इतने इंजेक्शन लगा दिए, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो एडमिट कर दो। मतलब वो ढंग से समझा नहीं रहे थे। वैसे वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे पहले जब मैं उनको दिखाती थी, बट अब वो बहुत रूड हो गए, बहुत ही अजीब से बात करना, अच्छा नहीं लग रहा था। और हम इतनी परेशानी में थे, हम पूछ रहे सर बता दो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो कह रहे एडमिट करो। अरे 10 इंजेक्शन आपने पहले लगा दिए तो दिक्कत तो बताओ क्या है। वो एक बार भी आ नहीं रहे देखने के लिए, पापा से बोल रहे सीधा हो ढंग से कर, मतलब एक बोलने का मैनर भी नहीं था। तो फिर हमने पापा का दर्द थोड़ा सा कम हुआ तो हम उस तनु के घर चले गए। फिर अगले दिन पापा को पेन फिर से हो गया, फिर हम ब्रिजलाल में गए, बट वहाँ भी ऐसे ही 5-6 इंजेक्शन लगा दिए पेन किलर के, दर्द कम नहीं हुआ। वो भी ये बोले एडमिट कर लो, हमने कहा एडमिट करके पहले आप हमें दिक्कत बताओ तभी तो एडमिट करेंगे, एडमिट करके आप क्या करोगे, दर्द कम कर दोगे? दर्द अगर कम करना है तो आप वैसे ही दर्द कम करो। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मेरे देवर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा, वो अंदर कमरे में भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि उन्हें इतना डर लग रहा था कि पहली बार हमारे घर में ऐसा क्या हो गया। रोज़ी की शादी सर पे थी, पापा भी रो रहे, पापा कह रहे रोज़ी की शादी है, मेरे को ऐसा हो गया, उनको बस पापा को बेटी की शादी की टेंशन थी। बहुत समझाया मैंने, मैंने कहा पापा ठीक हो जाएगा, ऐसे मत करो, पापा इतना रो गए, इतना रो गए। पापा मुझे कह रहे तो बस ही योगेश को बुला दे। इतना सा हुआ, फिर हम मम्मी आ गई, अभी मुझे मारेगी, हाँ मारेगी तो मैं मारूंगी तो मारने देगी मुझे, मैं बनाऊंगा जो, तो इतनी टेंशन हो गई। जहाँ दिखे चाहिए मैं खिड़की में, वाली खिड़की में वाली खाई ला,
तो इतनी टेंशन हो गई हमने पापा को, और उन्होंने पता क्या करा, फालतू के चार्ज ले लिए, मतलब 10,000 रुपये हमारे सिर्फ 4 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच बीच में 10,000 रुपये बना दिए, इंजेक्शन का चार्ज, दवाइयों का, एडमिट का चार्ज, बेड का चार्ज, डॉक्टर राउंड का चार्ज, प्राइवेट वार्ड का चार्ज, जो कि प्राइवेट वार्ड में रखा नहीं था, सिर्फ हमने बोला हाँ एडमिट कर लेते हैं, जब उन्होंने बोला उधर ठीक हो जाएगा एडमिट करके, एक मिनट लेटाया, फिर हमने बोला नहीं हमें नहीं करना एडमिट, उस चीज़ के ले लिए उन्होंने, चलो पैसे की कोई बात नहीं थी, पापा ठीक हो जाते हैं। फिर हम पापा को सीधा, हमने वेट नहीं करा, मैंने पापा बोला रामनगर ले जाओ चलते हैं, रोजी की जो सास है उनका भी फोन आया कि रामनगर ले ले जाओ बहुत अच्छा, नहीं रामनगर नहीं राम मूर्ति सॉरी राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर भैया राम मनोहर को राम ऐसा क्या करे, राम मनोहर राम मनोहर राम मनोहर लोहिया हमारे यहाँ है ना मूर्ति, हमारे यहाँ मम्मी जो एडमिट थी ना मेरी वो राम मनोहर लोहिया था, अरे तो मेरे मुझे राम मूर्ति की जगह राम मनोहर लोहिया निकल गया, तो फिर हम आपको राम मनोहर लोहिया ले गए, सॉरी राम मूर्ति ले गए, सॉरी सॉरी बरेली 3 घंटे का रास्ता था, बट हमने गाड़ी करी 1.5 घंटे में हम पहुँचे, सोचो इतना तड़पने वाला दर्द हो रहा था पापा को, यहाँ तक मतलब उनका पेट में फूल गया था, 1.5 घंटे पापा दर्द में तड़पते रहे, मगर हमारी मजबूरी थी, ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाह रहे थे, हम प्राइवेट में भी ले गए, वहाँ दर्द ही कम नहीं हुए 2 दिन, तो हमें वहाँ ले जाना पड़ा, 1.5 घंटे पापा दर्द में तड़पते रहे, मगर क्या ही कर सकते थे, बस पापा सह नहीं कर सकते थे, हम पहुँचे वहाँ, वहाँ उन्होंने हमें फटाफट से एडमिट कराया, पापा के ना उन्होंने भी इंजेक्शन लगाए 2-3 दिन, उन्होंने मना करा कि इतने इंजेक्शन मत लगाओ, इनको कल ही इतने इंजेक्शन लगे, और मेरे देवर तो आपको पता है वो बहुत सेंसिटिव है, वो कमरे के अंदर ही नहीं आ पा रहे थे डर के मारे, उनकी जान वैसे ही जाती थी, वो बाहर ही बस पूछने में थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि वो आ ही नहीं पाते हैं जिस किसी को कुछ हो जाता है, हमारी मम्मी भी सास भी और कमल भी और रोजी भी तीनों ही ऐसे हैं बहुत सेंसिटिव, देख नहीं पाते कोई चीज़, कमल कुछ ज़्यादा ही है, और मम्मी तो पूछो ही मत, मेरा ऑपरेशन हुआ था ना पत्रिका बेहोश हो गई थी जब मुझे लेकर आए थे, ये बेहोश हो गई, जबकि मेरा ऑपरेशन हो गया ठीक हो गया, ये बेहोश हो गई, इनको आईसीयू में एडमिट, थोड़ी देर में भाप भाप ऑक्सीजन वगैरह लगाई, लोग मेरे साथ है, मेरे को छोड़ के इनके साथ भाग गए, मैं ऐसा आँख खोल रही क्या हुआ क्या हुआ, पूछो मत, मैं बनाऊंगी खाना यार, तो मम्मी तो ऐसे कर रही है, मम्मी तो ऐसे कर रही है, देखो जैसे बोली होता मम्मी को एक काम के लिए बोले, हम बोल रहे हैं हाँ भी कर रहे हैं, फिर खुद चालू जाती है ऐसे, तो ऐसे हुआ, फिर हमने पापा को ना, फिर उन्होंने ना बोला ना एडमिट कर दो, बोला कर दो भाई एडमिट से, सब एडमिट के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने ना नाक में पापा की नली डाली, और पापा के ना जितना यहाँ दर्द था ना वो सारा उन नली के थ्रू एसिड जो जम गया था वो सब वापस आ गया भयंकर, मैं बिल्कुल नहीं रोई पापा के इतने दिन वो होने में, मगर उस दिन जब पापा के वो नली डाल गया मुझे इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया, मैं बाहर आ गई, क्योंकि वो नली इतनी लंबी डल रही थी, पापा को इतना दर्द वैसे हो रहा था, फिर मैं बाहर आ गई, एक मिनट चिमनी डल रही आवाज़ नहीं आई, फिर पापा के ना चेक, फिर हमने एडमिट करा, पापा के सारा दर्द गायब, पापा ने कहा मेरे को सारा दर्द गायब हो गया, मगर मैंने कहा खाली दर्द गायब होने से कुछ नहीं होता, हमें चेक करना पड़ेगा दिक्कत क्या है, पापा एडमिट हुए, अगले दिन फिर डॉक्टर आए, उन्होंने बोला ठीक है, मैंने बोला नहीं हमें चेकअप करना है क्या दिक्कत है, मैं नीचे गई थी कुछ काम से गई थी, पता नहीं क्या नाश्ता लेने गई थी सबके लिए, डॉक्टर राउंड पे आए और ये लोग ने बात बात कुछ करी नहीं, वो चले गए राउंड से, इन्होंने कुछ नहीं बोला चेकअप कराने का, मैं सीधा आई, मैंने कहा डॉक्टर कहें क्या बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला चले गए, बोला कि ठीक है, मैं मतलब कि कुछ बोला ही नहीं, मतलब सब चाहते थे हम लोग पापा को, हम लोग कि पापा का पूछा जाए कि दिक्कत क्या है, मैं गई सीधा नंगे पैर थी मैं भागी, मैं गई सीधा 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 डॉक्टर ऑपरेशन थे ओटी में थे, मैं वहीं चली गई गेट नॉक करके, मैंने कहा सर आप ऊपर आए, हमारे पेशेंट की इतनी तबीयत ख़राब है, आपने उनको कोई चेकअप के लिए नहीं बोला, तो बोले क्या नाम है, मैंने कहा पूरन चंद्र रोहिया, जो आप एडमिट हुए थे कल, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सर हमें सारा एंडोस्कोपी करनी है, आप लिखो उसको हमें करानी है, डॉक्टर बोला ठीक है आप जाओ मैं बात करूँ, डॉक्टर ने सीधा फ़ोन करा लिख दो एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के लिए लिखा, हम गए इतनी लंबी लाइन, मैं वहाँ भी लड़ी, मैंने कहा इतनी लंबी लाइन में हम लगे हैं पागलों के जैसे, उनको इतना दर्द हो रहा है, फिर हमारी लाइन में नंबर आ गया है, मैं अंदर ही घुस गई जहाँ एंडोस्कोपी हो रही थी, तो मेरे को ऐसा लगता है ना चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो कभी भी ना हमें पीछे पीछे नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में, जहाँ पर सवाल हमारे मम्मी पापा का हो और हमारे किसी काम का हो, क्योंकि एंडोस्कोपी कराने के लिए बहुत लोग आए थे मगर वो लोग घर से आए हुए थे,
मतलब कि करानी है, मगर पहले जो एडमिट है जो तड़प है दर्द उसकी करो ना, जिसकी डॉक्टर ने लिखी है उसी वक्त। लड़ लड़ के आगे गई, पापा की एंडोस्कोपी हुई, उसे पता चला कि पापा को अल्सर है। हमें नहीं पता था अल्सर क्या होता है, तो जो मेरे नंदोई जी हैं उन्होंने बताया, उनके भी फादर को था, पेट में जो होता है ना पूरे यहाँ छाले हो जाते हैं छाले, और वो बहुत दर्द करते हैं। फिर चलो हमें ये टेंशन ख़त्म हुई कि पापा को अल्सर है, हमें पता चल गया अब हम उस चीज़ का इलाज करा सकते हैं। फिर पता चला अल्सर है, मगर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि ऑपरेशन करना पड़े। तो उन्होंने बोला मसाले वसाले बिल्कुल नहीं खाने, गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, सिंपल खाना खाना है, दाल रोटी सब्जी सब खा सकते हैं बट सिंपल, बिना मिर्च का, बिना तेल का, बिना मसालों का, और हमारे यहाँ मतलब ऐसे चटपटा बनता है। तो उस दिन से पापा का खाना अलग बन रहा है, सिंपल नॉर्मल सब चीज़ बनती है बट सिंपल। तो बस यही सब हुआ था। 5 दिन पापा हॉस्पिटल में एडमिट रहे, मैं और मेरे देवर वहाँ पर रुके थे, 1 दिन मेरे नंदोई जी भी रुके थे, बट फिर उनके भी अपने काम थे तो उन्हें जाना पड़ा। फिर कमल और मैंने देखा पापा को, हम लोग घर आए, अब पापा बिल्कुल ठीक हैं। फिर पापा को हॉस्पिटल ले गई थी 1 हफ्ते बाद मैं, अब 23 को फिर से पापा को हॉस्पिटल ले जाना है, तो मैं पापा को दोबारा ले जाऊँगी, किस दिन की दवाई दी है। बट पापा को बीच में एक बार फिर से यहाँ साइड में पेन हुआ है, अब वो देखना है कि किस चीज़ का है, यहाँ नहीं हुआ जो अल्सर का हो रहा था, यहाँ हुआ है। तो परसों मैं वो दिखवा के लाऊँगी ढंग से, हुआ तो मैं एक पापा का टेस्ट और कराऊँगी, पूरे पेट का नीचे का अल्ट्रासाउंड, कि कोई और प्रॉब्लम भी तो नहीं है। और मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये चीज़ें हमें शादी से पहले पता चल गई। रोज़ी रो रही बहुत कि मेरी शादी है और शायद मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं अनलक्की हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैंने कहा तू पागल है, ऐसा क्यों सोच रही है, ये सोच तू तो कितनी लकी है, तेरी शादी की बात हुई, शादी 2 महीने बाद है और भगवान ने हमें अभी बता दिया। अगर शादी के दिन बताते तो हम बोलते हैं हाँ तेरी वजह से हो रहा है, तब भी नहीं बोलते। कोई चीज़ किसी की वजह से नहीं होती, अपनी वजह से जो हमें होनी होती है वो होती ही है। तो मैंने कहा देख शादी से पहले भगवान ने हमें बता दिया, हम इलाज ले सकते हैं। तो बस यही सब हुआ पापा के साथ और मेरे साथ गला, मैंने भी अपना वहीं दिखा लिया, बट क्या हो रहा है मेरे को, कल तक मेरा गला बिल्कुल ठीक था, पंखा चलाया जैसे मुझे ठंडा लग रहा है फिर हो जा रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद वो मेरी आवाज़ हमेशा के लिए ऐसी हो गई है, पुरानी आवाज़ तो मैं अपनी भूल चुकी हूँ। तो चलो ऐसे मैं खाना बनाने जाती हूँ, वरना मम्मी मुझे मारेगी, और फिर उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। और आज मैंने पहना है ये प्यारा सा सूट जो कि मुझे दिया था मेरे देवर ने, कमल ने, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, इसका गला कितना प्यारा है। ये अमेजोन से ऑर्डर करा था, लिंक मेरे पास नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप कमल कोटलिया से कमल कोटलिया से मांग सकते हैं, ठीक है। और ये है मेरी अम्मा, अम्मा हाय गाइस कर दे। हाय गाइस बोल। हाय 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 नहीं हाय हाय गाइस गाइस बोल। अब मेरे को नहीं आता बोल, बोल हेलो दोस्तों बोल ना, हेलो बच्चों। हाँ ठीक है गुड बच्चों, हेलो हेलो। पहले सूट कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरी कमुली ने दिया है, कमुली ने, कमल कब ये वही वाला है अच्छा है ना, कमल ने दिया है मेरे, कलर कितना सुंदर लग रहा है, इसका ये नेक देखो कितना प्यारा है, वो कैसे मतलब मजा बनता है, बना बना मम्मी को भी दिया है, मम्मी रील में जाके देखना पिंक कलर का पैंट वाला, वो भी बड़ा मस्त है। कमल ने ना पहले मेरे लिए दूसरा ऑर्डर करा था, मेरे लिए तन्नू के लिए और रोजी के लिए एक जैसा, पर उसका साइज डबल एक्सल था तो मेरे को इतना ढीला आ रहा, कितना ढीला, मम्मी ने देखा बहुत सारा ढीला आ रहा था इसलिए उसने बदला, मुझे तो सही लगा तो मैंने नहीं बदला। मम्मी का तो एकदम फिट था, मम्मी आपको थोड़ा लग रहा था कि टाइट है ना, मुझे पहले टाइट लग रहा था, मम्मी को टाइट लग रहा था मगर मम्मी पे फिट आ रहा था, मस्त लग रहा था। तो रोजी का मेरा वाला बहुत लूज था, तन्नू का बिल्कुल सही साइज फिट था क्योंकि तन्नू थोड़ी सी हेल्दी है ना इसलिए। फिर मैंने कमल को बोला कमल इसे चेंज कर दो प्लीज, फिर मैंने कमल को बोला ये वाला पसंद आ रहा है, तो कमल बोला ठीक है ये कर देता हूँ, फिर ये ले लिया। नहीं तो हाँ ठीक है अभी मैं शादी के बाद लूंगी। हाँ शादी के बाद। अरे अभी तक इतनी उम्र बढ़ गई उनकी, एक साल और बढ़ जाए अगले साल बर्थडे के बाद मैं लूंगी कल, वो शादी हो जाएगी उसके बाद लेना,
सास ससुर को कभी मुंह वहां मत बनाना सास ससुर के लिए, अंत वकी और वकी वो मारू ना वहां मारूंगी ठीक है, ठीक है। नहीं बनाती वो मुंह, अपनी सास को खूब प्यार करना, अपनी सास को अपने पति को इज्जत करना, उनकी अपने पति को प्यार करेगी और किसके पति को करेगी, और ऐसे मुंह बना के कभी कुछ कह भी दिया ना सास ने हंसी मुंह उड़ा दिया हो, अब मम्मी ये है वो है ऐसे करियो, पति का हंसियो सास का, और कभी उड़ाना है ना हंसी, आने जाने वाला होता है उसको पानी पिलाओ, मम्मी इसके लिए चाय बनाओ, कभी शुरू सास पूछ दी चाय बनाओ इसके लिए, सास हाँ बोलिए हाँ, ना बोलिए तो ना, उसी के हाँ में हाँ है उसी के ना में ना है, जब तक तुम्हारी सास है जैसे मैं करती हूँ मम्मी की हाँ में हाँ मम्मी की ना में करना चाहिए, वो सास है वो बड़ी उमंग लेके अपने घर लाती है, बहू बेटी बना के ले जाती है अपने घर, बेटियां तो ससुराल से ले जाती है, इसमें पूजा करने जा रही हूँ, बना के ले जाती है अपने घर, तो बेटी ने मुंह बना के धर दिया, वो बेचारी का मन भी क्या कहेगा यार मैं बहू लाई मुंह बना के बैठ गई, कहेगी नहीं, तो लिखे पढ़े बच्चे हो तुम, तुमको खुद समझदारी होनी चाहिए, आजकल के लिखे पढ़े बच्चे भी अपने को सब कुछ समझते हैं, वैसे नहीं समझना चाहिए अपना, तू इसे बोल दे कुल मिला के मन्नू जैसा बनना है साफ एक बार में खत्म कर, अमा इनकी जैसा बनना है मुझे, इनकी जैसी बनना मेरे बहुत देर में उठती है फिर तो जल्दी उठियो पार्टी उठा देर में उठे जो चीज जो चीज मेरे में गलत है छोड़ दियो बाकी सारी चीज उठ के टॉयलेट जाओ मुखर धो दांत मांजो उसके बाद गैस पर चूल्हे पर जाओ, वैसे रात्रि भर उठा चाय बनानी है बुढ़वाड़ी हो ऐसे मत करना, पहले मुखर धोना दांत मांजना, तो उन्हें बुढ़ा पार्टी की बोल रही है जवान है वो, जब मजाक कर उतने जवाई हो गए बेटियां हो गई बहू हो गई तो कहाँ है जवान, हो बुरा ही लगाओ उनको, लगा लिया चलो पूजा करने जाओ, तुमने बहुत अच्छा बोला है, निकल चल रही मैं पूजा कर लेती हूँ पहले फिर बजा जाऊंगी, मम्मी यहाँ खीरा खा रही है, पापा यहाँ खाना खा रहे हैं, पापा हेलो गाइस बोलो, ये खा रहे हैं ना, मैं यहाँ खा रही हूँ, हेलो गाइस ये खा रहे हैं ना, हेलो गाइस ये खा रहे हैं ना, मैं इनके लिए खीरा काट के दे रही हूँ, अब मेरी बच्ची यहाँ सोए सो ना, तो गाइस खाना पीना हो गया है, मैं यहाँ पे धुलने की हूँ बर्तन और उसके बाद फिर मेरे को जाना है बाजार रोजी के साथ, हाँ उबल के टमाटर प्याज काट के मसाले, तो मैं धो लेती हूँ बर्तन, खाना वाना हो गया है और फिर हमें बाजार जाना है, रोजी भी जा रही है मेरे साथ, पहले बर्तन धो लूँ फिर तैयार तो मैं हुई, तो गाइस धुल गए हैं बर्तन वर्तन, अब जा रही हूँ मैं तैयार होने क्योंकि मैं भी फिर निकल रही हूँ बाजार के लिए, रोजी पापा के साथ जा रही है और मैं तो सदा बाहर अपने पापा की स्कूटी से, पहले मेरे पास स्कूटी मेरी स्कूटी पापा ले गए क्योंकि दिल्ली से पापा बस से आए थे, मेरे पति ने उनको बोला कि आप बिल्कुल भी स्कूटी से नहीं जाओगे रात को, तो वो बस से आ गए थे, उनकी स्कूटी दिल्ली रह गई थी, स्कूटी मैं ट्रेन से ले आई, ट्रेन में बुक करा के, और कैसे कराई बुक ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, मेरे को देर हो गई मैं जा रही हूँ घर, तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ मतलब निकल रही हूँ बस घर से, शीशो मारो हमेशा गंदा ही रहता है यार, मैं जब गई थी तब इसको साफ करके गई थी, अब दोबारा से गंदा हो गया, आगे करूँगी सोना, चलो गाइस हम निकल रहे हैं, रोजी चली गई पापा के साथ, ऋतु कह रही है मुझे कॉलेज जाना, पहले मैं ऋतु के साथ जाने वाली थी मगर रोजी का मैंने बताया ना उसके हस्बैंड आ रहे हैं तो उसे काम है कुछ, तो ऋतु जा रही है कॉलेज तो ये जाते हैं मेरे साथ ही जा रही है, बट करने मत दो ठीक है फिर हम निकलते हैं, आगे का व्लॉग ये बनाएगी, आप ही सिलवाती हूँ मैं अपने कपड़ों, बहुत डिजाइनर भैया, हेलो बोलो, हेलो और यहाँ तन्नू भी आ गई है, ओ लहंगा दिखा दे गलती से सॉरी मैं अपने लहंगा दोबारा मैं अपना लहंगा कराने आई हूँ भैया से सिलवाने के लिए, ब्लाउज दिखा नहीं रही अभी हल्का से नीचे है, हेलो बोल दो भैया दोबारा, हेलो तन्नू भी आई है, अब मैं सिलवाने लगी अपना लहंगा, और तो मैंने बोला तन्नू गांठ खोल दे पन्नी की, भैया के तो नाखून छोटे हैं मेरे भी छोटे हैं, तो तन्नू ने बोला मेरी तो उंगली नहीं गाइस तन्नू की ना उंगली फैक्ट्री में मशीन में आ गई बेचारी की, पूरा उंगली हट गई आज चलो फिर अपना देते हैं ब्लाउज वगैरह, फिर जाते हैं मेहंदी लगाने, तन्नू को भी बहुत ज़्यादा सामान लेना है, और
मैं कहा मैं तेरे साथ में जब डांस करूं, मैं कहा यहां पे ऐसे उंगली खड़ी करनी होगी, मैं तो क्या करूंगी। तो गाइस देखो रोजी आ गई है यहां, और यहां रोजी के हस्बैंड आ गए। हाँ लोग तो भयंकर घुस घुस के देख रहे हैं इनकी प्रोफाइल में, इनकी रील में कमेंट कर रहे थे वहाँ, मेरे को देख लिया। भैया एक बार आप उधर घूम करो रोजी की तरफ, तो ऐसे रखना हाँ। ये देखो गाइस ये झूठ बोल रही है, ये सबको साफ सफेद झूठ, इयररिंग मेरी है, मैंने बनवाई है, 10,000 रुपए मेरे ससुर जी ने डाले एक या दो, और मैं जाती हूँ 10 की 10 सर मेरी तो एक ही है भी। हेलो हाँ ससुराल में जा रही हूँ, ससुराल में जा रही हूँ, एक रिंग मेरी और बन गई, अब 5 तो मेरे पहले से हो गई है, साफ पहन ली अब छोड़ लूंगी मैं। हेलो मैं अपने ब्लॉग में हीरो बन रही थी, अपनी बता रही थी। हेलो वाले गोल्ड की जगह यहाँ पर थोड़े से मैं दाने डलवा लूंगी, बड़ी दिखाना फिर नक तो मेरे में भी यहाँ पर दाने तो आजकल चल रहे, भैया कोई दिखाना तेरे ग्राम की नत बनवा ली नहीं, और नत का डिजाइन मेरा ये है, सब दिखा दो, सिर्फ यही दिखा रही हूँ और क्या दिखाया, कंगन भी हो गए कंगन भी हो गए नए, कल करवा चौथ का सामान और भैया आप जानते हो ना मेरे को पहले से, नहीं ये अलग करना, कल तुम आप ही लोगे ना, हाँ ये सीख तो नहीं लोगे ना, ठीक है ये अलग करना है, ये अलग करना है, उसके साथ ये करना है। कल रोजी हमारा आइसक्रीम लाई है, आज पहली बार रोजी ने खुद खर्चा करा है, और ऐसी आइसक्रीम है दांतों से कटी नहीं, इतनी मजबूत, इधर आएगी मैं अकेली हूँ मतलब ही लोगों नहीं दिया था, बिल बना के होगा मेरे को लग रहा है, 8,500 8,500 हाँ ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, वो रेट अच्छी लग रही है। गाइस अभी प्रकाश भाई के लिए लेने के लिए आए हैं हम कपड़े, आ रही हूँ मैं क्लियर भैया करेंगे डिस्काउंट, ये कितने का है, इस पर्दा ही बोले कर दो ठीक है, और जींस बताइए, जींस नहीं लग रही, जींस बहुत प्यारी कर रही है, नहीं डिंग डिंग नहीं, और शादी तू कहां जा रहे हो, कहां जा रही भाई, हार्दिक के लिए शर्ट लेने आ जा, चलो जाइज जाइज नहीं चाहिए गाइस, आप दिखाओगे डब्बी ले ले चाय मेरे लिए, छोले और चाउमीन ले लिया कल, क्योंकि व्रत है ना कल तो खा नहीं सकते, तो आज मेरे पति ने बोला पेट भर के खा लेना, भाभी के फैन आ गए, फैन अरे ब्लॉग शुरू हो रहा है क्या, मैं बाबू नहीं लेना है, ये लेना है अच्छी अच्छी लीजा, मेरी मेहंदी लगने लग गई है और उसी बैठी है, बाथरूम में हां देखो कैसी लग रही मेरी मेहंदी, बहुत अच्छी लग रही है सच में, बहुत बढ़िया लग रही है, इधर से यहां मेरे पति का नाम भी है, देखो कैसी लग रही है। तो गाइस मेरी मेहंदी वगैरह लग गई थी और मैंने मेहंदी हटा भी दी, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना, और तो ही नहीं सिर्फ हटा दिया, रच जाएगी कल सुबह तक, बाकी मैं बनाने लगी हूँ खाना यहाँ पर।
चाची ने मेरे लिए गिफ्ट लाई है। सॉरी तब से घर नहीं गई अपना गिफ्ट देखने के चक्कर। खुश है? थैंक यू चाची। मुंह देखो। काम भी करना है इसका। और गाइस एक लड़की ने ना रोजी को कमेंट करा था, किसी ने पूछा था कि तेरी भाभी कब तुम्हारी भाभी कब आएगी, तो दूसरी एक बहुत ही घटिया लड़की ने कमेंट करा था कि जब खेत के काम खत्म हो जाएंगे तब आएगी वो। तो ऐसा है घटिया सोच, घटिया औरत अपनी सोच और अपने गंदे कमेंट अपने घर लगाकर। खेत के काम से क्या मतलब है मेरा, मैं खेती का हमारे घर में रोज़ होते हैं और मैं रोज़ घर में रहती हूँ। अब तुझे अंदर का काम नहीं दिख रहा तो वो तेरी गलती है बहन। मैं किसी को उल्टा बोलती नहीं, मगर उल्टा करने में जो मजबूर कर देगी उल्टा बोलने में तो बोलना पड़ेगा। मैं दिल्ली गई हूँ, दिल्ली में चांदनी चौक, सदर, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर, दिल्ली मैं वैशाली हर जगह के लिए घूम रही हूँ सामान लेने के लिए, लिफाफे, मेहंदी, पापा के कपड़े, देवर के, अपने अपने हस्बैंड के, रोजी के, तन्नू के, जिस जिसका सामान जो जो है घर का सब लेकर आई हूँ मैं अकेली, कोई था नहीं मेरे साथ। तो तू क्या वो काम तेरे को दिख रहा था? मैं ब्लॉग नहीं बना रही, उसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोले। खेत के काम करते बताएंगे क्या मतलब, मैं खेत के काम से बचने के लिए हूँ, मैं खेत के काम यहाँ रहती हूँ तब भी नहीं करती क्योंकि मेरे घर वाले नहीं कराते और मैं खुद करना भी नहीं चाहती। अरे कोई होते हैं ना बेवकूफ़ लड़कियाँ, कभी मैंने किसी ने लिखा है कि मतलब दिल्ली से चली गई कि खेत के काम ना करने पड़े, और जो मैं वहाँ काम करी वो कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, वो कहाँ से होंगे हवा में उठाएंगे? कितने बैग थे मेरे पास जो मैं अकेले उठा के लाई हूँ, उससे कोई कुछ नहीं है मतलब। तो इतनी गंदी सोच, इतना गंदा दिमाग नहीं, पास रखा कर ठीक है। चार दिन कर रही, पाँच दिन काम करा, एक दिन फ्री रही, वो भी जा नहीं पाई मार्केट क्योंकि उसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तभी मेरे को फीवर हो रखा है, जुकाम हो रखा है, मैंने पूरी नहीं लगवाई पता क्योंकि मेरे से बैठे नहीं जा रहा था। तब भी घर आके खाने बनाया, उसमें भी बकबक वो कुछ नहीं दिखता मतलब। खेत में काम इसलिए चली गई है क्या मतलब है, मतलब यहाँ होती हूँ तभी खेती काम होती, तभी मैं नहीं करती, मैं अंदर का करती हूँ खाना बनाना, सफाई वफाई करना। तो इतने गंदे कमेंट सही औरत कर सकती है जो शायद खुद काम चोर और अपने ससुराल में काम से बचने के लिए अपने मायके भागती हो, तभी उसको बताया कि ऐसा होता होगा। मैं अपने मायके भागी नहीं थी, मेरे सास ससुर ने मुझे खुद भेजा था कि तू जा मन्नू और ये कर देना, ये काम करवा लाना क्योंकि तू अच्छे से कर सकती है। हमारे घर में कोई मेल नहीं है अभी, मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है, हस्बैंड और देवर मेरी ड्यूटी में, तो कौन कर रहा है सारा काम? मैं कोई अपने ऊपर एहसान नहीं ले रही, मेरा फर्ज है ये, और इस चीज़ पर मुझे फर्ज वो भी है गर्व कि मैं कर पा रही हूँ उन लोगों के वहाँ रहते हुए। तो तूने इतना गंदा कमेंट कैसे कर दिया, उल्टा बेफालतू का बोला हुआ, ऐसा मत बोला कर, बोलेगी तो अगली बार से तो मैं तू करके बोलूँ, अगली बार से मैं गाली देके बोलूँगी, बस साफ सीधी बात। चलो गाइस बस फिर मैं कर रही हूँ अभी हिसाब हिसाब का काम, उसके बाद फिर तैयारी करती हूँ कल की, कल रहता है करवा चौथ का। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी, उससे पहले मैं कल का सारा सामान अपना रेडी कर रही हूँ, जो मुझे सूट पहनना है। तो ये है मेरी कल की ड्रेस जो मैं सुबह पहनूँगी, और ये मेरा चूड़ा कल वाला, सिंदूर, अरे बिछिया,